नाकाबिले यकीन खुशी। खुशी क्या? प्यार। ये जो जा रही हैं, और सच बात ये कि पूरे ऑफिस ने मिलके पिटीशन साइन किया था इनसे पीछा छुड़वाने के लिए। थोड़ी डिक्टेटर टाइप की है ना, खुद भी काम करती रहती हैं, दूसरों को भी अर्ज करती हैं कि सिर्फ काम करो, इंतहाई बोर हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, इनके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। यकीनन बोरियत से आपका ये हाल हो गया है ना। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्माइलिंग, मिशन अकम्प्लिश्ड, यही मैं चाहता था। बस इसी तरह मुस्कुराती रहिए तो दवा भी जल्दी असर करेगी आप पर। एनीवे, इट वॉज लवली मीटिंग यू मैम, आई होप यू गेट वेल सून। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और मैं आप पे बहुत कड़ी निगाह रखूंगा। आई विल कीप चेकिंग अप ऑन यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट। आप प्लीज प्लीज, यू डोंट हैव टू कैरी। मैम आई सर प्लीज। देखा आपने कैसे आशिक परवानों की तरह आप ही के आगे पीछे मंडला रहे थे उनके बॉस? क्या किस्मत पाई है वैसे आप ही ने? जो भी देखता है दुनिया त्याग देता। वैसे मैं सोच रही थी ऑफिस में तो और भी लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे किसी एम्प्लॉय की माँ की तबीयत खराब होने पे आधी रात को कोई भागा भागा नहीं आता। लेकिन आप ही ने तो जैसे ठान रखी है कि हमें बदनाम करना है। पहले अब्बू को मार दिया और अब लगता है अम्मी की भी जान ले ली। तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? क्या करूं ना, मैं नहीं देख सकती ऐसे अपनी खानदान की इज्जत को नीलाम होती। और आपने सब अपनी आंखों से देखा है ना, आप फिर भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। क्या शाजा, क्या हो गया? तुम अगर मुझे ये बताना चाह रही हो कि मेहरू जी बहुत बुरी हैं, तो याद रखो तुम्हारी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और अगर तुमने ज्यादा बकवास की, मैं तुम्हें यही उतार दूँ, इसलिए चुप करके बैठो। सर बहुत शुक्रिया, आप अम्मी से मिलने आए। थैंक यू। अब थैंक यू करके आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मुझे लगा आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं चला आया। सर अम्मी की तबीयत ऐसी नहीं है, इस वक्त मेरे लिए मस्कत जाना पॉसिबल नहीं होगा। ओह, यू डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर मदर इज हेल्दी एंड बैक ऑन हर फीट। और जहाँ तक मस्कत की बात है तो don't worry, I'll make other arrangements। सर मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना भी नहीं चाहती। और ये अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं जा रही, इट्स वेरी मच हियर। फिलहाल आप अपनी अम्मी का ख्याल रखें, मैं कल फिर आऊँगा। एंड इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट फील फ्री टू कॉल मी, आई विल बी देयर फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई शुड सी यू टुमारो। सोए नहीं अभी तक? अगर नींद ना आने की वजह महरूज जी हैं, तो ऐसे मनाजिर देखने का खुद को आदि कर। क्योंकि आपकी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें मासूम और बेचारी समझते हैं। और हाँ प्लीज ये मत समझ जाइएगा कि मैं जेलिसी में आकर ये सब कुछ कर रही हूँ। हकीकत को तो आप भी छुटला नहीं सकते ना।
इतने मीठे आम लाई हूँ ना मैं, आप खाएंगे और कहेंगे भाई वाह मेहरू मजा आ गया। और जरा कटिंग चेक करें, मिलेगी आपको कहीं इतनी सलीखामंद बेटी? बहुत अच्छी कटिंग। शाबाश मेहरू, वाकई बहुत मीठा है। मैं सोच रही थी तुम्हारे बॉस भी बहुत अच्छे आदमी हैं, एक दिन खाने पे बुलाएंगे उन्हें, ठीक से शुक्रिया अदा करेंगे उनका। चलें ठीक है, बुला लेंगे उनको खाने पर भी, उनका शुक्रिया भी अदा कर देंगे। आप जैसा कहेंगी ना वैसा ही होगा, आप बस खुश रहें। खुश है मेरी बेटी। डरा दिया था आपने मुझे। ख्याल रखना है आपने अपना, बहुत ज्यादा। अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए आपने ख्याल रखना है अपना, समझ रही है ना बात? प्रॉमिस कर, प्रॉमिस करे मुझसे कि बहुत ख्याल रखेंगी अपना, करें प्रॉमिस? जी मेरे आका। हेलो, सलाम अलैकुम। जी जी हाँ जरूर। कितने लोगों के लिए? बस पुराने, अब कोई ऑर्डर नहीं, अपना ख्याल रखना, आपने अभी प्रॉमिस किया है मुझसे, चलिए खाएं, फिनिश करें पूरा। बहुत पुराने क्लाइंट्स, सब हो जाएगा, फिनिश करें। जब मैं कस्टर्ड बनाऊंगी ना, कस्टर्ड बनाते हैं। उठ गए? काफी देर तक सोए? चले मैंने आपके कपड़े निकाल दिए और बाहर आके नाश्ता कर ले, मुझे कहीं जाना भी। तुम्हें कहाँ जाना है सुबह सुबह? अम्मी से मिलने जाना है मुझे, कल रात भी जल्दी आ गई थी। वो घर आ चुकी होंगी, मेहरू जी को कॉल करके उनकी खैरियत पूछ लूं। क्यों, उनसे क्यों पूछ लूं? मैं खुद जाऊंगी अम्मी से मिलने, बल्कि अगर आपको ही मेरे साथ चलना है तो आप भी चलें। मैं तो जाऊंगा लेकिन तुम नहीं जाओगी, क्योंकि मेहरू जी को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उन्हें तो बाप की भी कोई जरूरत नहीं, वरना वो अपने बॉस को कॉल करके ना बुलाते। आपके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसे पड़ता है उसे आप कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। जब जानती हो तो रोजाना सुबह तुम्हें एक ही सवाल क्यों करती हो मुझसे? शायद आपका पत्थर दिल नरम पड़ जाए। ये पॉसिबल नहीं है आयत, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूं और मैं बार बार अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। चाहे आप मेरे साथ ज्यादती क्यों ना कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ज्यादती का बदला ज्यादती ही होता है। शाहजहां बेटा, आयत को उसके मैके ना भेजने के पीछे क्या मंतक है? शायद तुम भूल रही हो खाला जान ने क्या शर्त रखी थी। अरे बेटा, गुस्से में ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, उनको संजीदा क्या लेना। हाँ लेकिन इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज होती है ना माँ। आयत ने जितना तमाशा उस दिन लगाया था, इसने आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, नहीं करेगी, वो समझ गई है हालात को, बिल्कुल नहीं। अम्मा तुम कुछ भी कह लो, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, उसकी माँ बीमार है, ना करो उसे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपने अल्फाज में समझा देना उसे, अगर उसने मेहरू जी के साथ कोई बदतमीजी की तो बहुत बुरा होगा। नहीं करेगी, नहीं करेगी, बेफिक्र हो। Thank you.
सर, आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो दरअसल मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा आपसे भी मिल लूँ और मैम का हाल भी पूछ लूँ। सर प्लीज आइए अंदर। एक और एडेड रीजन भी है, वो चाय अभी तक उधार है। वो भी पिलाती हूँ आपको, प्लीज आइए सर। थैंक यू। अम्मी जी, अभी राशिद सर आए आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज मी, आई जस्ट होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने कहा मैं आपका हाल पूछते हुए चला जाऊं। बहुत शुक्रिया सर जी, प्लीज। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप प्लीज तशरीफ रखिए, हैव अ सीट। वो बेटे मेहरू ने बताया आपने कितनी मदद की हमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेहरू ने आपको ये बताया था? तो मेहरू ने आपको ये नहीं बताया कि डॉक्टर से इनकी लड़ाई होते होते मैंने बचाई? जी वाकई मेहरू? डोंट वरी, एक्चुअली कसूर इनका नहीं था, कसूर डॉक्टर का भी नहीं था। आपको पता है अटेंडेंट थोड़ा एंक्शियस होता है अपने पेशेंट को लेके, और डॉक्टर भी 12-14 घंटे की मुशक्कत के बाद ड्रेन हुआ होता है, और दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ मैम, डॉक्टर बिल्कुल सेफ है, डोंट वरी मैम। आई डोंट नो व्हाई मुझे फील हो रहा है जैसे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको मैम कहते हुए, और मुझे लगता है इट्स अ लिटिल टू हैवी अ वर्ड फॉर यू। तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको मैम, थोड़ा फॉर्मल है नो? बिल्कुल ठीक बात है बेटे, आप मुझे आंटी कहिए ना। यू कांट बी सीरियस, आंटी एंड यू, यू आर अ लिटिल टू गॉर्जियस टू बी एन आंटी, कम ऑन। आई मीन आंटी मैं आपको नहीं कह सकता, मुझे खुद ही यकीन नहीं आएगा आपको आंटी कह के। वैसे मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि ये वाकई आपके बच्चे हैं। आप कहीं वो वाली बड़ी बहन तो नहीं है जो अपने बहन भाइयों को कहती हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, उनको अडॉप्ट करके और फिर सबको बता रही होती हैं कि मैं इनकी अम्मी हूँ? वही है ना आप? ये आपके बच्चे नहीं है ना? टेल मी ऑनेस्टली। नहीं, मेरे बच्चे। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या कहूँ आपको, बताएं? इनके सब दोस्त मुझे खाला कहते हैं, आप खाला कह लीजिए। खाला? And you? कैसी बातें करी है? I mean, खाला का नाम लेते ही जहन में आपके कोई बुजुर्ग खातून की पिक्चर आ जाए, which is not bad of course, लेकिन आप पे सूट नहीं करेगा। Wait, give me some time, I can think about it. मेहरू की मम्मी, मेहरू की मम्मी, कैसा नाम है? मैं आपको मेहरू की मम्मी कह सकता हूँ? Do you approve of it? ठीक ठीक है, मेहरू की मम्मी, आज के बाद से आपका नाम मेहरू की मम्मी। What a cool name आपके बनी है। जो आपको अच्छा लगे बेटे। मेरू, आई एम सॉरी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। वैसे आप बहुत अनलकी हैं, अगर अम्मी ठीक होती ना तो ये आपको अपने हाथ का बना हुआ लेमन केक खिलाती, बहुत मज़े का होता। तो आपसे किसने कहा कि मैं आपके घर आखिरी दफ़ा आया हूँ? मैं तो अब आता जाता रहूँगा। मेहरू की मम्मी से मिलने क्यों भाई? I understand, आप परेशान हैं मेहरू के जाने की वजह से, उससे बाहर जा रही है। मैं समझ सकता हूँ, नया मुल्क होगा, नए लोग होंगे, नया काम होगा, नया माहौल होगा, बट यू डोंट हैव टू वरी। मैं अपने वर्कर्स को कभी भी किसी ऐसी जगह नहीं भेजूँगा जहाँ पर उन्हें कोई ख़तरा हो या वो अनकम्फर्टेबल हो, और ख़ास तौर पर मेहरू, मेरी कंपनी के लिए एक एसेट है। और आप फिक्र ना करें, इनके जाने के बाद भी मैं सारे प्रिकॉशंस लूँगा। I'll be as vigilant as I am right now, and she will report to me every day, and that's a promise. और देखें, अगर आप परेशान हैं कि आप उनसे मिल नहीं सकेंगी तो आप उनसे डेली वीडियो चैट कर सकती हैं। How easy? और आप जब भी कहेंगी, I promise you that, कि मैं उनसे मिलने के लिए आपको वहाँ भिजवा दूँगा। Happy? No? Yeah. Yes? I know that. कुछ तो आप मुझे अभी भी नहीं लग रही, मुझे समझ आ गई है। असल मसला ये नहीं है कि महरूम मुल्क से बाहर जा रही हैं, बल्कि असल मसला ये है कि उनके हाथ की कड़वी और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, है ना? मुझे भी यही टेंशन है। वैसे एक बात बताएं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना कैसे लेती हैं? आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग मिजाज के मुताबिक बनाती है, स्ट्रॉन्ग। यू वेरी प्राउड ऑफ हर आंट। Uh-huh. You have all the reasons to be, she was young.
सर थैंक यू सो मच.